हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं, आज का दिन बहुत ही बड़ा था। पहली बात तो ये तो हो, आखिरी मैच है ये आज के दिन का। यहाँ पर एमिरेट्स D10 का टूर्नामेंट का आखिरी मैच है ये, खेला जाएगा टीम अबू धाबी और ECB ब्लूज़ के बीच में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दोनों ही टीम्स अपना एक एक मैच खेल चुकी हैं। दोनों ही टीम्स, यहाँ पर अबू धाबी की जो टीम है वो जीत कर आ रही है। ECB ब्लूज़ का जो पहला मैच था वो ड्रॉ हुआ है। पता नहीं उसका रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में कह रहे थे कि भैया जिनने बाउंड्रीज ज़्यादा मारी है वो टीम जीतेगी, पर कुछ ज़्यादा बताया नहीं, तो वो अभी तक पता नहीं लगा है। वो जैसे ही पता लगेगा वो मतलब आपको अपडेट हो ही जाएगा कि भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पर दोनों ही टीम्स में बहुत बढ़िया, मतलब सरप्राइजिंग प्लेयर्स आपको दिखे कि भैया वन साइडेड जो कर गए सब कुछ काम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3-4 प्लेयर आपको ऐसे देखेंगे कि भैया हाँ ये तो हमने करे ही नहीं थे पिक, ये तो हमने करे ही नहीं थे पिक। वो सारे वैसे ग्रैंड लीग के प्लेयर थे, स्मॉल लीग का कोई प्लेयर चला ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे भैया रोहन मुस्तफ़ा, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर ज़्यादा इतने बढ़िया कुछ कर ही नहीं पाए इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो यहाँ पर अभी हम मैच डिटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चौथा मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा यहाँ पर ECB ब्लूज़ और टीम अबू धाबी के बीच में। दोनों टीम्स ने एक एक मैच खेल लिया। अगर आपको स्टैट्स चाहिए तो इसी में वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा नीचे स्टैट्स। 11:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रीव्यू की, तो दोनों ही टीम्स का यहाँ पर दूसरा मैच है। और यहाँ पर यार एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, पर वो ये कि वो चले नहीं वो अलग बात है, पर हमें बढ़िया करते हुए दिख सकते हैं। ये नहीं है कि पहले मैच में नहीं चले तो दूसरे मैच में नहीं चलेगा वो प्लेयर, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन मुस्तफ़ा, सी सूरी, ये सब प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी टीम्स के लिए। फिर उसके बाद वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी चांस नहीं है रेन के, यहाँ पर रेन के ज़्यादा चांसेस होते भी नहीं है वैसे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पिच रिपोर्ट की, तो बैट्समैन फ्रेंडली पिच है। आपने पहला मैच देख लिया, 127 रन बने, ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद दूसरा मैच देख लिया, भैया करीब करीब 100 मान के चलो आप, वैसे 98 बने हैं पर करीब करीब आप 100 मान के चलो। वो भी तो आप एवरेज निकालोगे तो अभी जो है पहले दो मैचेस को मिला के 110 रन। फिर उसके बाद पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था इतने रन बनेंगे और पहला मैच आपको इतना ही दिखाई दिया। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग अगर आप देखो, चेज करते हुए टीम यहाँ पर एक बार जीती है, 4 बार हारी है। अब अगर आप दो मैचेस जो हुए हैं, एक तो मैच हुआ ड्रॉ, दूसरा मैच जो हुआ वो चेज करते हुए टीम जीती है, तो अभी जो है 1-0 का सिनेरियो है अभी जो दो मैचेस कंप्लीट हुए हैं। ECB की अगर मैं बात करूँ तो ये रही इनकी प्लेइंग 11 और ये रहा इनका जो स्कोर रहा था 126। रोहन मुस्तफ़ा 2 रन, सी शुरी 3 रन, फिर उसके बाद वी अरविंद ने बहुत बढ़िया तरीके से 83 रन बनाए, फिर उसके बाद एम उस्मान 31 रन, एम बूता 4 रन, फिर उसके बाद टी अली ने कुछ करा नहीं यहाँ पर, ना बैटिंग ना बॉलिंग। यहाँ पर हो सकता है ऊपर भेज दिया जाए इस प्लेयर को, एम अयाज हमारे पास है, ये प्लेयर आपको बॉलिंग करवाता हुआ दिखा, 2 ओवर इसने कंप्लीट करवाए। उसके बाद अहमद रज़ा, आपने 1 ओवर देखा इसका भैया। फिर उसके बाद कासिफ दाऊद, 2 विकेट इसने चटकाई। जे सिद्दीकी ने 1 विकेट चटकाई और कार्तिक मैयप्पन ने 1 विकेट चटकाई। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया रोहन मुस्तफ़ा आपको बॉलिंग करवाता हुआ भी दिखेगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा इकनॉमी रही, 10.5 की इकनॉमी थी, चलो चलता कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के देगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जे सिद्दीकी आपको बॉलिंग करवा के देगा 2 ओवर, एम मयाज आपको 2 ओवर बॉलिंग करवा के देगा, फिर उसके बाद रोहन मुस्तफ़ा तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, कासिफ दाऊद आपको करवा के देगा, कार्तिक मैयप्पन एक ठीक ठाक प्लेयर अपनी टीम के लिए, अहमद रज़ा अगर आप देखो तो भैया ये आप मोस्टली ग्रैंड लीग में ट्राई करो, आप स्मॉल लीग में तो कमी, मतलब मैं आपको कहूँगा कि इस प्लेयर को ट्राई करो। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वैसे इनका मैच खत्म हो गया, 99 रन इनने बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप देखो रमीज़ शहज़ाद हमारे लिए 48 रन इस प्लेयर ने बनाए, फिर उसके बाद गुलाम फरीद ने बहुत बढ़िया 19 रन बनाए, फिर उसके बाद उसामा हसन 6 रन, फिर उसके बाद के स्मिथ यहाँ पर अगर आप देखो भैया 2 रन इसने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे विकेट किसने चटकाई, विकेट बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो चटकाई है वो चटकाई है, 3 विकेट चटकाई दिलवार खान ने और 4 विकेट चटकाई है इसने विनायक ने। तो ये दोनों प्लेयर वैसे अब इनकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखो आर भाटी और जी क्रीमर अगर आप रखना चाहो तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जलाल बुखारी हमारे पास हैं, 2 ओवर इसने करवाए, प्लस 7 में अगर आप बात करो भैया जी क्रीमर पहले मैच में पहले ओवर में इसने 26 रन खाए थे, स्टिल इसने दूसरा ओवर करा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भैया आपके पास और कौन ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास बॉलिंग में। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे पिछले मैच के क्या इनके स्टैट्स रहे, अभी जो
ईसीबी के पूरे स्टैट्स में आपको दिखाता हूँ, टीम दुबई के भी मैं आपको सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट्स दिखा देता हूँ एक बार। तो टीम दुबई के अगर आपको स्टैट्स देखने हैं तो भैया ये रहे स्टैट्स टीम दुबई के, आप देख सकते हो जितने भी प्लेयर्स के स्टैट्स मुझे मिले थे सारे के सारे आपको दिए। राहुल भाटिया मैंने एज ए वाइस कप्तान ग्रैंड लीग में रखा था, एक विकेट वैसे वो चटका के गया पर ग्रैंड लीग में इतना बढ़िया। यहाँ पर जी क्रीमर इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्यों था, इस वजह से इंपॉर्टेंट ऑप्शन था क्योंकि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के दे रहा था, पर यहाँ पर इससे बॉलिंग नहीं और बैटिंग नहीं करवाई गई तो यहाँ पर आप ग्रैंड लीग में ऐसे इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी टीम की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देख लो भैया ये रहा दूसरी टीम के स्टैट्स दुबई, यहाँ पर ईसीबी खेल रही है हमारे लिए तो ईसीबी के स्टैट्स ये रहे, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हैं ईसीबी में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सी सूरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जे सिद्दीकी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो कार्तिक मैप्यन आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर है, ये मैंने आपको बोला भी था। और यहाँ पर अगर आप देखो भैया ओडीडी के स्टैट्स मैं इसीलिए लेकर आया था क्योंकि इस प्लेयर ने मतलब विकेट चटकाई है, यहाँ पर आप एक मैच में एक विकेट देखकर अगर आपने ड्रॉप करा तो वो सही नहीं था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एम खान एक्सपीरियंस प्लेयर अपनी टीम के लिए, उसके बाद आप नीचे सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट्स देख सकते हो अगर आप एक बार देखना चाहो। वैसे रोहन मुस्तफ़ा और ये सब यार वो हैं बहुत बढ़िया प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एक मैच में नहीं चलते तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया अगले मैच में नहीं चलेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम के बाद डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के स्मिथ आपको बढ़िया करता हुआ दिख जाएगा, फिर उसके बाद वी अरविंद, ये दोनों के दोनों प्लेयर ऊपर आ रहे हैं। के स्मिथ तो आपको ओपन करता हुआ ही दिख रहा है पर वो ये भैया सामने वाली टीम में बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं तो के स्मिथ क्या चलेगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से आप इस प्लेयर को ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर आप चाहो देखो तो भैया वी अरविंद के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बैटिंग ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टिल बैटिंग ऑप्शन में सी सूरी आपको बढ़िया दिख जाएगा, आर शहजाद, फिर उसके बाद एम उस्मान। स्टिल ज़्यादा प्लेयर्स ने बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करा है जिन्हें पता है कि भैया सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो एक मैच में नहीं चलते, स्टिल हम इन्हें ट्राई करेंगे। के महमूद आपके पास एक ऑप्शन है, के महमूद के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास रोहन मुस्तफ़ा है, जी क्रीमर के पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से 10.5 पॉइंट का प्लेयर है ये, वैसे है बहुत बढ़िया, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के देगा आपको। फिर उसके बाद ए रज़ा, पर पहले मैच में इसने बैटिंग नहीं करी। फिर उसके बाद के दाऊद हमारे पास है, उसके बाद मैंने रखा है जी फरीद, ये प्लेयर ओपन कर रहा है इसीलिए मैंने इस प्लेयर को ऊपर रखा है, यहाँ पर जी क्रीमर के ऊपर रखा है। पर यहाँ पर जी क्रीमर इस वाले मैच में बहुत बढ़िया कर सकता है, मैं आपको पहले बता दूँ। आर भाटिया हमारे पास है, जे सिद्दीकी हमारे पास है, के मैपन अगर आप रखना चाहो के मैपन रख सकते हो, पर ये दोनों प्लेयर अब मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर ड्रॉप करने वाला है। तो यहाँ पर डी खान और वी विजयन हमारे पास बढ़िया रहेंगे, पर वो ये कि सामने टीम्स कौन सी हैं वो आपको देख के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो टीम आबू धाबी की टीम अगर आप देखोगे तो भैया इतनी बढ़िया आपको शायद ना करती हुई दिखे, ईसीबी ब्लूज़ की टीम आपको ज़्यादा बढ़िया करती हुई दिख जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है ईसीबी ब्लूज़ के जो प्लेयर हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्राई कर सको तो भैया एक जी क्रीमर ट्राई कर लो, एक ये ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं टीम की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहली टीम एज अ कप्तान मैंने क्या रखा हुआ है, रोहन मुस्तफ़ा रखे हैं, वाइस कप्तान एम उस्मान, फिर उसके बाद वी अरविंद, फिर उसके बाद सी सूरी, आर शहजाद। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर उसके बाद ए रज़ा, के दाऊद, फिर उसके बाद जी फारिद, फिर उसके बाद जे सिद्दीकी, डी खान और वी मैप्यन, ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। एम उस्मान की जगह अगर आप किसी और प्लेयर को पिक करना चाहो, किसी और प्लेयर को पिक कर सकते हो, वो भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा, एम उस्मान की जगह कोई और प्लेयर, ठीक है। और यहाँ पर वाइस कप्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखो तो कप्तान वैसे ज़्यादातर रोहन मुस्तफ़ा अभी भी सबका फेवरेट है क्योंकि एक तो आपको ओपन करके दे रहा है प्लस साथ में दो ओवर कंप्लीट करवा रहा है। भैया अगर पिछले मैच में कुछ नहीं करा दैट डजेंट मीन कि आपको अगले मैच में कुछ करके नहीं देगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी टीम की तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ट्राई करी है मैंने, आर रोहन मुस्तफ़ा और बी अरविंद एज अ वाइस कप्तान, एम उस्मान, के महमूद, आर शहजाद। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़े से मतलब मैंने डिफरेंशियल पिक चूज़ करें, जैसे के महमूद पिक करा है यहाँ पर, वाइस कप्तान मैंने वी अरविंद पिक करा, फिर उसके बाद ए रज़ा, के दाऊद, जी फारिद,
फिर उसके बाद कार्तिक मैपियन पिक करा जैसे मैंने पिछले मैच में नहीं पिछली टीम में नहीं करा था। उसके बाद डी खान और वी विजयन। यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए अगर आप चाहो तो स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है, वैसे स्मॉल ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हो, बहुत बढ़िया आपको स्मॉल ग्रैंड लीग में कर सकती है। यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान आप आराम से बदल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया कप्तान वाइस कप्तान, पर वही है रोहन मुस्तफ़ा आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करके देगा तो इसलिए वो प्लेयर इंपॉर्टेंट है। आर शहजाद आपके लिए आपको ओपन करके दे देगा। उसके बाद अगर आप बात करो तो डी खान और वी वैपियन एक यही ऐसा प्लेयर है कि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दे देगा। ए रज़ा आपको बॉलिंग मैक्सिमम बॉलिंग ही करवाएगा। एम उस्मान आपके लिए प्योर बैट्समैन है। वी अरविंद आपके लिए प्योर बैट्समैन है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कोई भी आके बॉलिंग करवा जाए, ऐसा बहुत कम होने वाला है। एक आधा ओवर अगर कोई करवा जाता है तो वो अलग चीज़ है, पर वो ये है कि फिक्स प्लेयर हैं कि ये बॉलिंग करवाएंगे और ये बैटिंग करवाएंगे। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर ज्वाइन कर लो क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।